इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डाटा है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है इंफॉर्मेशन के लिए, या इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है बाय प्रोसेसिंग द डाटा। जैसा कि डायग्राम में आपको पता लग रहा है कि डाटा क्या है, हमारे इनपुट साइड पे है, हम इनपुट में डाटा देंगे, उस पर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाएगी और अल्टीमेटली हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन है जो रिसीव होगी। अब हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्टली, जैसा कि हमें पता है कि डाटा क्या है, अनरिफाइंड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम को एज इनपुट देंगे, और इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज़ जस्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस्ड डाटा। फीचर की अगर हम बात करें तो डाटा क्या है, इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करेगा, जो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, जिसका अपने आप में कुछ मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। वेयर एज इंफॉर्मेशन क्या है, एक फाइन प्रोडक्ट की तरह जो हमें लास्ट में मिल रही है, रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें फाइन प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन। और जो डाटा है वो बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशंस, और वेयर एज इंफॉर्मेशन किस पे बेस्ड है, एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, गुड डिसीज़न मेकिंग। और गुड डिसीज़न मेकिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक्यूरेट, रेलिवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। एक फ्रेज है, हम कहते हैं कि राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट मैनर में राइट पर्सन्स के पास है जो वो पहुँचनी चाहिए। तो इस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए और टाइमली मिलनी चाहिए, ठीक है। और इस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, एक्यूरेट डाटा होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली किससे मिल रही है हमें, अगर हमारे पास एक्यूरेट डाटा होगा तभी हमें राइट इंफॉर्मेशन है जो वो मिल पाएगी। फिर बात आती है नॉलेज की। इसी हायरार्की में हम आगे चलते हैं। फर्स्ट लेवल पे हमारा डाटा, सेकंड पे हमारी इंफॉर्मेशन, थर्ड लेवल पे नॉलेज और फोर्थ लेवल पे विजडम। इस पिरामिड को हम बोलते हैं DIKW पिरामिड। डी स्टैंड्स फॉर डेटा, आई इंफॉर्मेशन, के नॉलेज एंड डब्ल्यू फॉर विजडम। तो इस पिरामिड के अकॉर्डिंग हमने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। नॉलेज क्या है, जब हम इंफॉर्मेशन पे और रिफाइनमेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, नॉलेज रिसीव होती है। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी उसी के हिसाब से क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग क्या है, इम्प्रूव होगी। और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी हम क्या हैं, वाइज होते जाएंगे, हमारी विजडम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम वाइज होंगे तो हम गुड डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो इस पिरामिड के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे बेसिक लेवल पे हमें एक्यूरेट डाटा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वो इंफॉर्मेशन हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगी और उस नॉलेज से हम वाइज हो जाएंगे, हमें विजडम प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इस डायग्राम में भी उसी पिरामिड का रेफरेंस है। अब बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यूज हो रही है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कोई सेल्स परचेज की जो ऑपरेशन है वो हैंडल कर रही हूँ किसी कंपनी का, तो वो कंपनी क्या कहती है, अगर हम सिंपल सेल्स और परचेज के फैक्ट्स की बात करें तो वो क्या है, सिंपली उस कंपनी के लिए डाटा है, ठीक है। अगर मैं जानना चाहती हूँ उस डाटा के बेसिस पे कि लास्ट क्वार्टर में हमारी कंपनी की कितनी सेल थी, व्हाट इज़ द सेल्स फिगर, तो जो हमारे सेल्स के फैक्ट्स हैं उस पर हम प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारे लास्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स है जो वो हुई, ठीक है। फिर इसी इंफॉर्मेशन पे हमने और रिफाइनमेंट परफॉर्म की और हमने क्या किया, हाउ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसे आंसर करना। जैसे मैंने कहा
कि जो सेल्स का पैटर्न है, सेल्स मैंने क्वार्टर बाय क्वार्टर हर लोकेशन की मैंने सेल्स के इंफॉर्मेशन है जो एक्सट्रैक्ट की, अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो सेल्स के फिगर्स हैं वो किस पैटर्न में जा रहे हैं। क्या मेरी कंपनी की सेल्स डिक्रीज़ हो रही है, क्या मेरी कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? हर लोकेशन की जो क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगी, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ करूँगी और वो पैटर्न फाइंड आउट करूँगी कि किस तरह से मेरी जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। और फिर इस रिफाइंड नॉलेज के बेस पे मैं किस तरह का डिसीज़न ले सकती हूँ हमारी कंपनी के लिए कि मैं ऐसी कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटजीज फॉलो करूँ जिसके बेसिस पे मेरी जो कंपनी है वो फर्दर ग्रो करे, ठीक है। तो आपको इस पिरामिड के बारे में समझ आ गई, व्हाट इज़ एक्चुअली DIKW पिरामिड। तो ये एक एग्जांपल है, अगर मैं सिंपली 200 की बात करती हूँ तो 200 क्या है, सिंपली एक फैक्ट है, फिगर है, जिसे हम सिंपली क्या कह देंगे, डाटा। अब मैंने इसके साथ लिख दिया 200 माइल्स, अब ये 200 क्या बन गया, एक डिस्टेंस बन गया। तो 200 माइल्स मैंने लगा दिया तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या मिली कि ये एक डिस्टेंस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने और इस पर रिफाइनमेंट की, मैंने कहा मेरी नॉलेज को यूज़ किया, क्या है 200 माइल्स डिस्टेंस क्या है, एक फार डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये मेरी नॉलेज का पार्ट बन गया, ठीक है। और मेरी विजडम क्या कहती है कि जो 200 माइल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत फार डिस्टेंस है और इसे पैदल तो नहीं कवर किया जा सकता, मगर अगर हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो इसे ईजीली कवर किया जा सकता है। तो ये जो डिसीज़न मैंने लिया ये किसके बेसिस पे लिया, विजडम के बेसिस पे लिया। ये विजडम कहाँ से आई, जब मुझे नॉलेज होगी। ये नॉलेज कहाँ से मिली, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, जब मेरे पास डाटा था, ठीक है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ डाटा की। हायरार्की ऑफ डाटा क्या है, बेसिकली जो हमारे डेटाबेस सिस्टम है उसका जो मेजर रिसोर्स है, सारा का सारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डाटा के ऊपर बेस्ड है। तो डाटा क्या है, हमारा प्रिंसिपल रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो डाटाबेस को डील करती है, डाटाबेस को मैनेज करती है। तो इस हायरार्की में हम सबसे पहले लेवल की बात करते हैं बिट्स की। बिट्स क्या हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा की, जो हम कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या है, बिट। तो सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स मिलाकर हम बाइट बना देते हैं, इस तरह से हमारे जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज़ होती रहती हैं, बिट से बाइट, फिर बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट एंड सो ऑन, ठीक है। करैक्टर कैसे बनेगा, हम जनरली बात करते हैं कि हम 8 बिट्स के कम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास एक बाइट बनती है और एक बाइट है जो एक करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। फिर फील्ड क्या होता है, जब हम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फील्ड बनता है। बेसिकली जो डाटा फील्ड क्या होता है, हम एंटिटीज़ की बात करते हैं, हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो हर जो आपने हिंदी में सुना होगा संज्ञा, तो वो क्या है, एक एंटिटी है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो क्या है, एक एंटिटी है। अब एक पर्सन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस पर्सन का नाम, उसका पता, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, ये क्या है, उसकी एट्रीब्यूट्स है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो एक एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम बेसिकली डाटा बेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द टर्म्स ऑफ डाटा फील्ड, ठीक है। तो फील्ड क्या होगा, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स से हमारे पास जो एक बेसिक यूनिट जनरेट होगी उसे हम फील्ड कहते हैं। और डेटाबेस की टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एंटिटी की किसी भी प्रॉपर्टी को जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करती है वो क्या है, डेटा फील्ड है। जैसे मैंने कहा कि नेम, तो एक पर्सन का नाम क्या है, एक डेटा फील्ड है, ठीक है।
मैंने एक टेबल लिया, टेबल की हाइट क्या है, एक डाटा फ्रेम है। मैंने एक एम्प्लॉय की बात की तो एम्प्लॉय का जो आईडी है वो क्या है, एक डाटा फील्ड है। ठीक है, इसी तरह से आप कोर्सेज में इनरोल हुए हैं तो आपका जो कोर्स का नाम है वो क्या है, एक डाटा फील्ड है। इसी तरह से हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की की, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। तो जब हम कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बताएगा, एक एंटिटी का रिकॉर्ड बताएगा। ठीक है, तो ए रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि बिट्स के सीक्वेंस को मिलाकर हमारे पास फील्ड बना, कई सारे फील्ड्स को मिलाकर हमारे पास क्या बन गया, रिकॉर्ड बन गया। अब ये जो कई सारे फील्ड्स हमने बना कंबाइन किए हैं, ऐसे नहीं रैंडमली नहीं कंबाइन कर दिए, वो क्या है, एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट एंटिटी है, तो स्टूडेंट एंटिटी से रिलेटेड कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं। स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट का फादर नेम इंफॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट की कोर्स इंफॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फील्ड्स क्या हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट के लिए हम यही सारे फील्ड्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, इसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो क्या बनाएगा, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो फील्ड्स को मिलाकर हमारे पास एक रिकॉर्ड बना। अब कई सारे सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड्स को मिला दिया हमने तो हमारे पास क्या बन गई, फाइल बन गई। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या हैं, हमारे पास फाइल है। जनरली हम क्या करते हैं, एक फाइल में एक की फील्ड लेकर चलते हैं। वो की फील्ड क्या है, ऐसा फील्ड जो आपके जो कई सारे रिकॉर्ड्स में से आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर फाइल में, वो क्या है, आपका की फील्ड है, या हम उसे क्या कह देते हैं, प्राइमरी की। और जब हम कई सारी फाइल्स को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या फॉर्म अप करेगा, डेटाबेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। बॉटम से स्टार्ट करते हैं, बिट क्या है हमारे पास, सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। और सिंगल बिट क्या कर रही है, या तो ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगी या वन रिप्रेजेंट करेगी। बाइट क्या फॉर्म करेगी, सीक्वेंस ऑफ एट बिट्स। अब एट बिट के सीक्वेंस से हमारा एक करेक्टर बन गया। फील्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। जैसे मैंने कहा कि जेफरी टैन, तो यहाँ पर क्या है, ये जो जेफरी टैन हमने बनाया ये क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है। तो ये क्या है, एक फॉर्म फील्ड कर रहा है, फील्ड फॉर्म कर रहा है सर। तो ये फील्ड क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम क्या है, एक फील्ड का नेम है, और इस फील्ड की वैल्यू क्या है, जेफरी टैन। अब हमारी एंटिटी क्या थी, एम्प्लॉय, उससे रिलेटेड एक फील्ड की हमने बात की तो वो क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो इसी एम्प्लॉय का अगर हमने रिकॉर्ड फॉर्म करना है तो वो क्या है, इसके इस एम्प्लॉय एंटिटी के बहुत सारे जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उनको कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। तो जैसा कि एम्प्लॉय का क्या है, नेम है, एम्प्लॉय का जॉब टाइटल है, और एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ जॉइनिंग है या डेट एम्प्लॉयड हमने बात की। तो ये क्या है, ये एक फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है, और ये तीसरा फील्ड है। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, एम्प्लॉय नेम जेफरी टैन है, जॉब टाइटल क्या है, इसका लेक्चरर है, और इसकी जो एम्प्लॉयमेंट की डेट है वो क्या है, 19 सितंबर 2004। तो ये क्या है, हमारा एक रिकॉर्ड फॉर्म करना, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या बना रहा है हमारे पास, रिकॉर्ड बना रहे हैं। और कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप के रिकॉर्ड्स, अब हमने सिमिलर टाइप क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर हम सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके क्या हैं, हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए उन सब के लिए क्या है। अगर मैंने एलिस कैटर की बात की तो वो भी एक एम्प्लॉय है, उसका जॉब टाइटल क्या है, लेक्चरर है,
उसकी जो एम्प्लॉयमेंट डेट है वो क्या है, 31 मार्च 2020। इसी तरह से जेफरी टन, इसी तरह से स्टीव विलिस। तो ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या फॉर्म कर रही है, एक फाइल फॉर्म कर रही है। और इन कलेक्शन ऑफ फाइल्स को मिलाकर हमारे पास क्या फॉर्म अप हो रहा है, एक डेटाबेस फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि जो डेटा की हायरार्की है वो कैसे फॉर्म अप हो रही है। सिमिलर वे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। फिर डेटाबेस हम क्या कहते हैं, किसे कह सकते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर्ड टुगेदर विद कंट्रोल रिडंडेंसी। अब इन जो एक एक वर्ड से हमारे पास क्या है, डेटाबेस सिस्टम की जो फीचर्स निकल के आ रही हैं। यहाँ पर क्या है, डाटा क्या है, इंटर रिलेटेड होगा, डाटा एक ही जगह पे स्टोर होगा, इकट्ठा आइसोलेशन में नहीं होगा, हमारे पास आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट होंगे, हमारे पास एक सिंगल रिपॉजिटरी हम बनाकर चलेंगे डाटा की। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं स्टोर्ड टुगेदर विद कंट्रोल्ड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। तो यहाँ पर अगर हम डेटाबेस सिस्टम की बात करेंगे, डेटाबेस अप्रोच की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, रिडंडेंसी क्या है, हम मिनिमल लेकर चलते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में लेकर चलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो एक बार के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि डेटाबेस क्या है बेसिकली। तो डेटाबेस क्या है, इंटर रिलेटेड कलेक्शन डेटा की, रैंडम कलेक्शन नहीं है, और सिंगल रिपॉजिटरी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे, मगर कंट्रोल्ड रिडंडेंसी के साथ। तो इससे हमारे पास इसकी फीचर्स कुछ निकल कर आती हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले फीचर क्या कहती है कि ए डेटाबेस रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, कि अगर हम कोई डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, वो डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे जो रियल वर्ल्ड है उसका कोई ना कोई एस्पेक्ट है जो वो रिप्रेजेंट करे। जैसे हमने बात की यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी क्या है, हमारे जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, वहाँ का क्या है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। यूनिवर्सिटी हमारे वर्ल्ड का पार्ट है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मिनी वर्ल्ड भी कह सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करते हैं, उसके बारे में हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डाटाबेस में। तो यूनिवर्सिटी का अगर हम डाटाबेस जनरेट करेंगे, तो यूनिवर्सिटी में क्या क्या होगा, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होंगे, सबसे पहले हम एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिवर्सिटी किन किन एंटिटीज़ से डील करती है, स्टूडेंट्स से डील करती है, इंस्ट्रक्टर से डील करती है, सेक्शंस से डील करती है, कोर्सेज से डील करती है। ठीक, तो इन सब को हमने क्या करना है, डेटाबेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो अब स्टूडेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो स्टूडेंट के बारे में हम क्या चीज़ मेंटेन करेंगे, स्टूडेंट के बारे में डाटा हम क्या मेंटेन करेंगे, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर हम असाइन करेंगे, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हम असाइन करेंगे, स्टूडेंट का जो फादर मदर नेम डिटेल्स, स्टूडेंट की फ़ोन नंबर डिटेल, उसकी एड्रेस डिटेल्स, इसी तरह से किस कोर्स में स्टूडेंट ने एनरोल होना है, उन कोर्सेज की डिटेल। अब स्टूडेंट हमने अलग बना लिया, कोर्स हमने अलग बना लिया, इनके बीच में रिलेशनशिप भी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या है, स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स से एसोसिएटेड है। स्टूडेंट अपने आप में कुछ नहीं है, कोर्स अपने आप में कुछ नहीं है, स्टूडेंट इज़ एनरोल्ड इन कोर्स, या कोर्स इज़ मेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डेटाबेस है जो वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा, सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, जिसे हम क्या कह देते हैं, मिनी वर्ल्ड भी कह देते हैं, और दूसरे टर्म्स में हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कह देते हैं। तो कोई भी चेंज अगर मिनी वर्ल्ड में होगा, तो वो सारे के सारे चेंजेस हम डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि डेटाबेस इज़ अ लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डाटा। लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डाटा का मीन्स क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि जो डाटा हम डेटाबेस में मेंटेन करेंगे, वो क्या है, लॉजिकली क्या है, इंटर रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने भी पीछे एग्जांपल में बात की कि अगर हम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने एम्प्लॉय एक रिकॉर्ड के एक फील्ड में एम्प्लॉय नेम दे दिया, फिर मैंने क्या दे दिया, बैंक का अकाउंट नंबर दे दिया,
तीसरे फील्ड में मैंने क्या कह दिया, कैफेटेरिया की आईडी दे दी। चौथे फील्ड में मैंने क्या दे दिया, रोड जो यूनिवर्सिटी टू होम का डिस्टेंस दे दिया। तो ऐसे कोई भी रैंडम कलेक्शन को हम डेटाबेस नहीं कहेंगे, हम क्या कह रहे हैं, लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डाटा, या लॉजिकली इंटर रिलेटेड होने चाहिए वो। ऐसी कलेक्शन ही हमारी डेटाबेस को फॉर्म अप कर सकेगी। और थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि डेटाबेस इज डिज़ाइंड बिल्ट एंड पॉपुलेटेड विद डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर पर्पस नहीं है तो डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है बैंकिंग का डेटाबेस बनाने की, मुझे बैंक के कस्टमर्स को, बैंक के एम्प्लॉयज़ को, सबको सर्व करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, उनके बारे में, उनके अकाउंट्स की डिटेल मेंटेन करनी है, उनके फंड्स की डिटेल मेंटेन करनी है, उनके ट्रांजैक्शंस की डिटेल मेंटेन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे पास पर्पस है तो इसलिए वहाँ पर डाटाबेस डिज़ाइन किया जाएगा, बिल्ट किया जाएगा एंड पॉपुलेट किया जाएगा। किससे? विद डेटा। किस लिए? फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो अगर पर्पस नहीं है तो एप्लीकेशन एरिया नहीं है, एप्लीकेशन एरिया नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ यूज़र्स नहीं है जो उसे यूज़ करेगा। तो जब भी डेटाबेस को बनाने की बात आएगी तो सबसे पहले पर्पस निकल कर आएगा। अगर उसकी एप्लीकेशन होगी, उसका स्कोप होगा, तभी वो डेटाबेस है जो फॉर्म अप किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेटाबेस बनाते टाइम, डाटाबेस डिज़ाइन करते टाइम हमें ध्यान में रखनी है। पहली, इट मस्ट रिप्रेजेंट सम मिनी वर्ड। दूसरा, लॉजिकली कोहेरेंट कलेक्शन होनी चाहिए। तीसरा, इट मस्ट बी डिज़ाइंड बिल्ट एंड पॉपुलेटेड विद डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फिर बात आती है नेक्स्ट टर्म की, मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। डाटा अबाउट डाटा का मतलब क्या है कि जो हम डाटा डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ डाटा। जैसे आपने HTML की कोडिंग की होगी तो हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। बॉडी में हम जो कंटेंट अपने वेब पेज में शो करना चाहते हैं वो लिखते हैं, और हेडर में क्या लिखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर वो मेटा डाटा उस चीज़ को प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मेटा डाटा यहाँ पर क्या होगा, हमारे डेटाबेस की टर्म्स में हम डाटा किसके बारे में स्टोर कर रहे हैं। सपोज़ हमने स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है यूनिवर्सिटी के डाटाबेस में, तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की एड्रेस इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, उसके मदर फादर नेम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये सारे के सारा डाटा हम स्टूडेंट के बारे में मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके बारे में जो डाटा होगा वो क्या होगा कि माना स्टूडेंट का नेम है, तो स्टूडेंट का नेम कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी अल्फाबेटिक। ठीक है, नंबर्स तो हम नहीं कह सकते, मैंने कहा कि 1, 2, 3 किसी का नाम है, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इट मस्ट बी अल्फाबेटिक। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम के बारे में जो मेटा डाटा क्या है कि वो क्या है, करेक्टर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर की बात करें तो स्टूडेंट का रोल नंबर मैंने कहा 1700131। तो ये क्या है, रोल नंबर है, ये वैल्यू बता रही है, ये रोल नंबर है। मगर ये रोल नंबर कैसा होना चाहिए, इसका मेटा डाटा क्या है कि न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इसमें ABC लिख दूँ तो ये तो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर मेटा डाटा क्या है रोल नंबर का कि इट शुड बी अ न्यूमेरिक टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर मेटा डाटा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, डाटा करेक्टरिस्टिक्स। कौन सी डाटा की करेक्टरिस्टिक्स, जो डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं डाटाबेस में। जैसा कि हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का नेम कैसा होना चाहिए, करेक्टर टाइप का होना चाहिए। तो मेटा डाटा आपका क्या है कि इट मस्ट बी अ करेक्टर टाइप। इसकी टाइप वैल्यू है, उसकी टाइप क्या होगी, टाइप ऑफ वैल्यू इज़ अ मेटा डाटा। ठीक है, तो हमारा जो डाटा है और उससे रिलेटेड जो मेटा डाटा है, ये दोनों चीज़ें हमारी कहाँ पर स्टोर होंगी, एक्चुअली हमारे डाटाबेस में स्टोर होंगी
ठीक है, डाटा डेटाबेस में स्टोर होगा, और जो मेटा डाटा है उसके लिए हम क्या मेंटेन करके रखते हैं, डाटा डिक्शनरी या डाटा कैटलॉग भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजर रोल है वो किसका है, मेटा डाटा का है अलॉन्ग विद डाटा। तो जो डाटा की डिस्क्रिप्शंस हैं, डाटा के बारे में जो डाटा है उसे हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा कहते हैं। और इसका जो मेजर रोल है, क्योंकि इसी मेटा डाटा के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिर फर्दर हमारे जो डाटा की मैनेजमेंट होगी, वैलिडेशन होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो इसी मेटा डाटा के ऊपर बेस्ड होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे DBMS टर्म की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स द यूजर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। अभी तक हमने सारी टर्म्स पढ़ ली, डेटाबेस क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो DBMS क्या है, DBMS वो सॉफ्टवेयर है, वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और डेटाबेस की फर्दर मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मेजर रिसोर्स है डाटा, उसकी मेंटेनेंस एक्चुअली हमने कैसे करनी है, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर DBMS। तो यहाँ पर DBMS किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मतलब क्या है कि जो हम डेटाबेस जिस मिनी वर्ड के लिए हम बना रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए भी बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा डाटा का, डाटा टाइप्स क्या होंगी, डाटा के ऊपर क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हमने लगाने। जैसे मैंने कहा कि जो फ़ोन नंबर की अगर हम बात करें तो वो न्यूमेरिक टाइप का तो होना चाहिए, बट लेंथ मैंने स्पेसिफाई कर दी कि उसमें क्या है, 10 डिजिट्स ही होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर दी, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि रोल नंबर है वो क्या है, हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक होना चाहिए। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, ऐसे कोई भी दो स्टूडेंट नहीं होंगे जिनका क्या है, रोल नंबर सेम होगा। तो ये कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स मैंने लगा दिए। तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम कहाँ पर मेंटेन करेंगे, डाटा डिक्शनरी में मेंटेन करेंगे। और कब होगी ये इंफॉर्मेशन मेंटेन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द डाटाबेस। जब हम डाटाबेस को डिफाइन करेंगे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डाटा की टाइप्स, डाटा का स्ट्रक्चर और डाटा के ऊपर किस किस तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द मिनी वर्ल्ड, ठीक है। मिनी वर्ल्ड में क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसी के बेसिस पे हमने क्या करना है, मॉडल करना है हमारे मिनी वर्ल्ड को डाटाबेस की टर्म्स पर। तो DBMS हमें डिफाइन करने में हेल्प करेगा उस डाटाबेस की, ठीक है। फिर बात आती है कंस्ट्रक्टिंग, हमने स्ट्रक्चर बना लिया कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा हमारे डाटाबेस का, हमने खाली कंटेनर बना लिया। अब उस खाली कंटेनर में क्या करना है, डाटा को पॉपुलेट करना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है, पॉपुलेट करना, कि हमने क्या करना है, अब डाटा को उस जो हमने कंटेनर फॉर्म किया है फर्स्ट स्टेप में, डिफाइनिंग स्टेप में, उसमें हमने डंप कर देना है, ठीक है। तो ये काम भी कौन करवाएगा, हमारी हेल्प कौन करेगा, DBMS करेगा। और फिर थर्ड बात आती है मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, कि किसी तरह का भी चेंजेस करने हैं हमने डाटा में, या हमने कुछ रिट्रीवल करनी है, क्वेरी करनी है डाटाबेस में। मैंने कहा कि बैंकिंग का डाटाबेस है, मैंने कहा कि दिस अकाउंट नंबर की मुझे बैंक बैलेंस डिटेल चाहिए, तो मैंने क्वेरी की जाकर। तो ये क्वेरी कहाँ फायर होगी, डेटाबेस के अगेंस्ट फायर होगी, मगर कौन करवाएगा, DBMS है जो वो इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। तो उस करस्पॉन्डिंग अकाउंट नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, बैलेंस इंफॉर्मेशन है जो वो रिट्रीव होके मिलेगी। इसी तरह से अगर मैंने कहा कि मैंने एड्रेस चेंज करना है बैंक में, तो ये भी क्या है, एक तरह की मैनिपुलेशन है, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि मैंने एक नया अकाउंट ओपन करवाना है, तो ये भी अलग तरह की मैनिपुलेशन है। या फिर मैंने कहा कि मैंने अकाउंट क्लोज करवाना है, तो वहाँ से मेरा रिकॉर्ड है जो वो डिलीट कर दिया जाएगा, तो वो भी एक तरह की मैनिपुलेशन है। तो ये मैनिपुलेशन करवाने में भी हमारी हेल्प कौन करता है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स ये सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करेगी। तो किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स हम स्टडी करते हैं, बेसिकली MySQL है, Oracle का आपने नाम सुना होगा, MS Access का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट है, Fox Pro, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का, DB2, ये क्या हैं कुछ एग्जांपल्स हैं DBMS सॉफ्टवेयर्स के, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसे मेंटेन करके रखते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम की। डेटाबेस हमने पढ़ा, DBMS हमने पढ़ा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर्म अप होगा, जिसे हम क्या कह देते हैं, डेटाबेस सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्रामेटिकली आपको शो हो रहा है कि डेटाबेस प्लस DBMS ये क्या फॉर्म कर रहा है, डेटाबेस सिस्टम फॉर्म कर रहा है। तो इस डायग्राम में भी आपको पता लग रहा है कि कोई भी यूजर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो तो आपके किस एंड पे हैं, इस एंड पे हैं। ठीक है, ये हमारा DBMS सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हमारा फिजिकल डाटा, फिजिकल स्टोरेज पे हमारा फिजिकल डाटा स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड डाटाबेस, और उस डाटा के बारे में जो मेटा डाटा है वो कहाँ पर स्टोर्ड है हमारा, इस डाटा डिक्शनरी में पड़ा है, जिसे हमने मेटा डाटा लिख दिया है। तो ये जो हमारा स्टोर्ड डाटा है और ये हमारे यूज़र्स, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, ये हमारा DBMS कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो यूज़र्स हैं वो किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे डेटाबेस सिस्टम को, जैसे कोई क्वेरी लैंग्वेज सपोज उसने यूज़ की, तो क्वेरी लैंग्वेज के क्वेरी की फॉर्म में एक रिक्वेस्ट सेंड की गई, वो क्वेरी हमारी DBMS को पास की जाए, वो DBMS क्या करेगा, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं, अब DBMS सॉफ्टवेयर एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, तो वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स में कुछ सब कंपोनेंट्स, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो क्वेरीज को प्रोसेस करने में यूज़ होंगे, कुछ कंकरेंसी को कंट्रोल करने में यूज़ होंगे, कुछ डाटा को एक्सेस करने में यूज़ होंगे, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं जो वो अपना काम करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा को डेटाबेस में से रिट्रीव करके लाएंगे और आपको क्या है, रिजल्ट है जो वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, यूज़र को रिजल्ट है जो वो प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो क्या है, काम करता है, राइट। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा कि डेटाबेस कैसा होना चाहिए, मस्ट रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, तो वो मिनी वर्ड हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इस मिनी वर्ड की एंटिटीज़ क्या हैं, स्टूडेंट है, कोर्सेज हैं, सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट क्या है, किसी ना किसी सेक्शन का पार्ट होगा, सेक्शन क्या है, कोर्स वाइज होंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, सेक्शंस को टीच करेंगे, कोर्सेज किसके अंडर रन हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के अंडर रन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स किसका पार्ट है, डिपार्टमेंट्स का पार्ट है। तो ये क्या है, कुछ रिलेशनशिप्स हैं इन एंटिटीज़ के बीच में, और इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को फॉर्मुलेट करेंगे और मेंटेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पीछे एंटिटीज़ शो की, अगर हम कोर्स एंटिटी की बात कर रहे थे तो कोर्स का नाम है, कोर्स का नंबर है, क्रेडिट आवर्स कितने हैं और डिपार्टमेंट कौन सा इस कोर्स को रन कर रहा है, ये क्या है, इनके फील्ड्स के नेम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इन फील्ड्स की वैल्यूज हैं, ये एक रिकॉर्ड है आपका, ये सेकंड रिकॉर्ड है, ये थर्ड रिकॉर्ड है, फोर्थ रिकॉर्ड है, ये एक फाइल फॉर्म कर रहा है, ये एंटायरली आपका क्या फॉर्म कर रहा है, पूरा डेटाबेस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम डेटाबेस सिस्टम यूज़ नहीं करते तो इससे पहले कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ होती थी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने ऑन द फ्लाई ही डेटाबेस सिस्टम को फॉर्म अप किया और बनाना यूज़ करना शुरू कर दिया, इससे पहले भी तो कोई अप्रोच यूज़ होती होगी। तो डेटाबेस अप्रोच के आने से पहले हम किस अप्रोच को फॉलो करते थे और उसकी क्या डिसएडवांटेजेस थी, किसकी वजह से हमने डेटाबेस सिस्टम अप्रोच है जो उसको ऑप्ट किया
उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो हम डे टू डे लाइफ में बार बार इन टर्म्स को यूज़ करेंगे। किन किन टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा? डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, मेटा डाटा, हायरार्की ऑफ डाटा, जिसमें हमने पढ़ा बिट क्या है, बाइट क्या है, फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है, और अल्टीमेटली डेटाबेस क्या है, DBMS क्या होता है, और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।